इयं योगिनो यस्यान्तं न पितुः सुरा सुरजनः देवाय तस्मै नमः अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, बुलंद आवाज में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित अखंड कोटि घन नायक परमानंद ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभी आप लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे हैं। ईश्वर परमात्मा कैसे है, श्रीमद् भागवत महापुराण में ग्राह और गज का में युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। जब ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ करके समुद्र में लिए जा रहा था, अथाह जल में लिए जा रहा था, उसमें हाथी के पास कोई सहारा नहीं था, कोई छुड़ा नहीं सकता था, कोई बचा नहीं सकता था। उस समय वो गजेंद्र ने भी बड़ा सुंदर स्तुति किया है, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामति। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? नमः आत्म प्रदीपाय, आत्मा से प्रकाशित होने वाले यानी आत्मा की जो साक्षी है, जो मन मानी और इंद्रियों से परे है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। देखिए हाथी, अभी आप लोग वेद मंत्र पढ़ रहे थे, यन मनसा न मनते, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनित होता है उसी को तो ब्रह्मज्ञान ईश्वर जान। वो ईश्वर परमात्मा कैसे है, जहां पर वेद में कहा गया सर्वम खलबिदम ब्रह्म, अभी स्वामी नरेशानंद जी महाराज से सुन रहे थे,
ईश्वर की सर्वव्यापकता। वायु यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भूव एकस्तथा सद्भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। सभी जगह ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन। जहां उपनिषदकार लिखते हैं अंधम तमम प्रविशंति ये अविद्या उपासक, वहीं पर दूसरे जो लिखते हैं अंधम तमम प्रविशंति ये असंभूति उपासक, वो अंधकार से घोर अंधकार में प्रवेश करता है जो कर्मकांड में लगा हुआ है, केवल उपासना में लगा हुआ है, एक ब्रह्म को नहीं जानता। हम लोग इस आंख से परमात्मा को देखना चाहते हैं। अभी निषद में सुन रहे थे वो ईश्वर परमात्मा हाथ पैर गुदा लिंग मन बुद्धि का विषय नहीं, वो कैसा है तो कहा इंद्रिय अतीत है। तो जो इंद्रियों से अतीत है, जो मन बुद्धि से भी परे है, फिर उसको कैसे जानेंगे तो कहा उसको अपनी आत्मा से ही जानेंगे। हम लोग जिस आंख से देख रहे हैं जो दृष्टि होती है जिससे हम देखते हैं वो पांच प्रकार की है। एक स्थूल दृष्टि है और स्थूल दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। आंख से हम देख रहे हैं, रूप का ज्ञान आंख से होता है, शब्द का ज्ञान कर्मेंद्रियों के माध्यम से होती है, रस का ज्ञान हम लोग जिभ्या से करते हैं, इसी तरह से अन्य अन्य का भी ज्ञान करते हैं। दूसरी प्रकार की दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि। हम लोग स्वप्न देखते रहते हैं। सत्य हरिश्चंद्र को भी स्वप्न में किनका दर्शन हुआ था जानते हैं? किनका दर्शन हुआ था? हाँ, विश्वामित्र मुनि का दर्शन हुआ था। और युक्तिगत विजेता भी स्वप्न में गुरु महाराज का दर्शन की थी स्वप्न। तो दूसरी प्रकार की दृष्टि स्वप्न की दृष्टि होती है और तीसरी प्रकार की दृष्टि होती है मानस दृष्टि। मानस दृष्टि के माध्यम से भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। चौथी प्रकार की दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है और दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया था। तो जब दिव्य दृष्टि से भगवान ने अपना दर्शन कराया था विराट रूप का, अर्जुन डर गया था, अर्जुन कांपने लगा भगवान के विराट रूप को देख। पश्यामि देवांश तब देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मेष कमलासनस्था ऋषिष्य सर्वानुविकासी विद्या। हे प्रभु, आपके शरीर में मैं अनेक देवी देवताओं के समूह को देख रहा हूं, नाग और किन्नर को देख रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा हूं, 33 कोटि देवी देवताओं को देख रहा हूं, मैं डर गया हूं, आप अपने रूप में आइए। तो भगवान फिर अपने रूप में, तो दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन अगर हो जाता, अगर
हम लोग तो ये समझते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया, बस हमें ईश्वर का दर्शन हो गया, ऐसी बात नहीं। भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम का दर्शन हनुमान जी महाराज ने किया था। तो भगवान कह देते कि ठीक है हनुमान, अब हमारा दर्शन हो गया, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया। लेकिन भगवान ने नहीं कहा ऐसी बात है। अन्वेषण प्रयत्न न मारुति ज्योतिरांतर, भगवान ने कहा है वायुषित अति यत्न मान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं खोज करो अंतर ज्ञानी, अदृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का आचरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं अपने स्थूल इंद्रियों के माध्यम से। तन इंद्रिय संग माया देखो, श्री सदगुरु महाराज की पूज्य पाद का पदार्पण हो गया है, लोग सब खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। हेलो स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागत की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।